wow, 68 to 56 means reduced 12 kgs. And जो ये diary है अब मेरे पास, this is a diary of Smriti. Smriti जब मेरे पास आए थे, Smriti को जो जो भी problems हैं, that was वो full body pain था इनको, cervical था and PCOD था. जब ये मेरे पास आए थे तो इनके periods irregular थे and irregular periods होने की वजह से इनको काफी unpleasant से symptoms थे and she was totally upset अपने skin को लेके, अपनी body shape को लेके ये बहुत परेशान थे and इन्होंने एक चीज और मेरे साथ share की थी कि अगर मैं gym में गई थी and वहाँ पे उन्होंने बोला कि you cannot do exercise because you have cervical problem तो अभी आप physiotherapy लो या घर पे rest करो, जब ठीक हो जाएगा तब आप एक्सरसाइज कर सकते हो. तो देन आई टोल्ड हर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इफ यू हैव सर्वाइकल इन फैक्ट देन यू हैव टू एक्सरसाइज. तो फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन किया एंड इट्स बीन 4 to 6 months इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है एंड शी रिड्यूस 12 केजीज अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम ऑफ पीसीओडी बिकॉज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसको होता है उसका ऑलरेडी वेट जो है वो या फिर फैट रिड्यूस होने के चांसेस वैसे थोड़े कम होते हैं एंड थोड़ा कम अमाउंट में आपका जो वेट रिड्यूस होता है. बट हैट्स ऑफ टू हर, इन्होंने जो मेहनत की है, जो हार्डवर्क किया है 12 केजीज रिड्यूस करना एंड इनकी प्रॉब्लम अब बिल्कुल सॉर्टेड है. नाउ इनको जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर आते हैं, सर्वाइकल ऑल बॉडी पेन्स आर वैनिश्ड. लेट्स टॉक टू स्मृति. I have started my journey in August and I thought कि the weight lose करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मुझे लगता था कि weight lose मेरा हो ही नहीं पाएगा. But when I saw, I read the comments on Google, I check on Google और मुझे लगा कि नहीं, I should go at the Gagan Fitness Studio. Thanks to the Gagan ma'am that she helped me out and I have lost at least 12 kgs and 6 inches in 6 months. But the myth था मेरा वो बिल्कुल clear हो गया है. Weight, we can lose weight at any age of our life. But the thing is, now I'm very relaxed and the journey is still going on because I have to reach my target. And जो इन्होंने diet मुझे prescribe की थी, which is very diet was like it was not starving. It was not starving. ऐसा नहीं लगता था कि मुझे बाहर से कुछ खाना है, craving है. Craving automatically अपने आप vanish हो जाती है जब आपको लगता है आपने किसी target पे पहुंचना है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है and I felt very happy and my journey is still going on. स्मृति, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा पीसीओडी के बारे में बताओ बिकॉज यू हैव बिन थ्रू पीसीओडी की. पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा है जो गर्ल्स में, वुमेन में, तो आपको तो पता है यू हैव बिन थ्रू. उसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत अनप्लेजेंट होते हैं, जैसे फेशियल हेयर आना या फिर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना या पीरियड्स रेगुलर ना होना. तो वो बहुत कैसी आपको प्रॉब्लम आती थी एंड अब क्या आपको लगता है कि जब पीरियड्स रेगुलर है तो कैसा लगता है, थोड़ा सा वो बताइए. मोटिवेट करिए जिन लोगों को पीसीओडी है एंड दे कैन क्योर दिस प्रॉब्लम. यस, पीसीओडी की प्रॉब्लम मुझे थी काफी टाइम से, बट मुझे लगता था कि आई थिंक मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, बट नहीं, मेडिसिन से बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिला जितना मैम की डाइट से मुझे और उनकी एक्सरसाइज से फायदा हुआ. आई थिंक एवरीवन शुड गो फॉर द दिस गगन फिटनेस स्टूडियो. दे शी हैज गिवन द गुड डाइट फॉर द पीसीओडी एंड आई हैव अ बॉडी पेन एज वेल. मेरी बॉडी पेन अब बिल्कुल भी नहीं है. मेरे स्टमक में एक प्रॉपर जगह पे बहुत ज्यादा पेन रहता था, वो भी अब बिल्कुल नहीं है एंड आई एम वेरी रिलीव्ड. एंड आपने जो यहाँ आके सीखा कि एक्सरसाइज फॉर लाइफ टाइम, एक्सरसाइज इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ, चेंजिंग योर क्लोथ्स डेली एंड डाइट, जब आपका कोई टारगेट होता है देन हैव टू फॉलो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, 6 months या जो जैसे आपने 6 months किया, क्योंकि इनका टारगेट था, हमारा टारगेट था पीसीओडी को क्योर करना एंड बॉडी फैट, जो आपका बॉडी पेन्स है वो चले जाए, तो उस हिसाब से आपका डाइट बनाया गया था. तो अब इन 6 months के दौरान यू हैव लर्न अलॉट के किस तरह से अपने डाइट फॉलो करना है, विच फूड्स आर गुड फॉर यू, है ना, एंड एक्सरसाइज के बारे में भी आपने सीखा है, वो भी थोड़ा सा बताएं कि नॉलेज होना कितना जरूरी है. नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इवन मैं वर्किंग हूँ तो मैं अपनी सर्कल में सबको बोलती हूँ कि एटलीस्ट यू शुड मेंटेन योर डाइट और ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, चपाती 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 नहीं खानी चाहिए. वी हैव टू टेक ऑल टाइप ऑफ फूड. इतना नहीं है कि हम बाहर से नहीं खा सकते, बाहर से भी हम खाना खा सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर की क्या खाना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जाने बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में. मुझे आज रियलाइज हुआ, अब मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं बाहर से कुछ खाऊंगी तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीज कब कैसे खानी है. स्मृति इज सो कॉन्फिडेंट दैट शी नोज कि कैसे उनको बाहर भी वो खा सकते हैं, घर पे क्या खाना है
एंड उनको पता है कि अब वो लाइफ टाइम कैसे फिट रह सकती हैं एंड एक्सरसाइज कितनी जरूरी है. एंड आई एम सो हैप्पी कि आप अपने सर्कल में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो है ये नॉलेज स्प्रेड कर सकते हो. तो इसी तरह से ये चेन बनता है, सो दैट जितना भी आप लोगों को नॉलेज है आप स्प्रेड करें. इस राइट नॉलेज स्प्रेड करना एंड राइट नॉलेज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच स्मृति फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड शेयरिंग योर जर्नी विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो